अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? खैरियत है? खैरियत से हो? मैं कैसर खान यूट्यूब चैनल से। तो अभी हम ऐसे जगह पे आए जो पहले दौर के लोग जो अंग्रेज और हिंदुओं के दौर से 150-200 साल पुराना है, तो अभी भी वो चल रहे। तो आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ रहे और आइए हम आपको दिखाते हैं। तो जी दोस्तों, जो ये जो जिसकी जगह है जिस बंदे की, तो वो इधर बैठा हुआ है, तो हम उनसे बातचीत करते हैं, तो आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या है? खैरियत है? ठीक ठाक है? तो ये जगह आप लोगों की, ये कितने टाइम, ये कितना पुराना है? 150 साल, तकरीबन 200 साल हुआ है। तो ये आप लोग की परदादा और दादा उन लोग टाइम पे यार पुराना है। अच्छा अच्छा, तो ये आप लोग, ये जगह का नाम क्या है? ये इसको बोलते हैं अरट। अरट? हाँ। अरट है? हाँ, ये अरट है। अच्छा अच्छा, क्या जलार बोलते हैं इसको? जलार? हाँ। अच्छा, तो इसको जलार पश्तो में कि उर्दू में? पश्तो में जलार बोलते हैं। अच्छा अच्छा, जलार पश्तो में जलार बोलते हैं, उर्दू में इसको अरट बोलते हैं, पता? ये तकरीबन ऐसा ही है। जी दोस्तों, ये बैल है, ये ऐसे चक्कर लगाते हैं और पानी जो है ना, ये नीचे कुआं है, ये सारा कुआं है, और ये इन लोगों ने ये मशीनरी लगाया हुआ है, तो इसके जरिए से पानी निकल रहे, और फिर जो है ना इधर निकलता है, इधर आ जाता है, तो फिर इधर से ऐसे खेतों की तरफ चला जाता है, और फिर खेतों को जो है ना पानी मिल जाता है, और फसल ये गन्ना है, ज्वार, जो गंदम है, जो भी है, तो उस चीज़ को पानी मिल जाता है। ये जगह है आरत, इसमें अभी दूसरा कुआं है जो बहुत पुराना है, तकरीबन 200 साल पुराना है, हिंदू और अंग्रेजों के दौर से, जो उसके पानी है वो खुद बहुत ऊपर आता है, और बिल्कुल ठंडा पानी और मीठा पानी है। तो बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, मीठा भी है, बहुत ज्यादा ठंडा है। अब ये जो है ना, कैमरामैन से बात पूछे, इसको बता दे, ये इधर पानी। आज हम आपके साथ ये जो है ना, जो शहद की जो मक्खी है, वो कैसे शहद जो है ना, शहद तैयार करता है, और कैसे बनता है, और फिर कैसे निकलता है, वो ओरिजिनल शहद होता है। तो आ जाइए हम आपके साथ, भाई मुजम्मिल अहमद जो इधर ये काम कर रहे हैं, दिखा देते हैं। बिल्कुल जो है ना, फुल ऊपर वाला सारा शहद है, और ये नीचे ये बच्चा है, ये जो है ना भाई, ये बच्चा है जो अभी बच्चे, और ये शहद है सारा।